आकाश यात्राएं केवल चल नहीं रही है, जनता की सेवा का बड़ा काम कर रही है। अब तक विकास यात्राओं में लगभग 4,088 लोकार्पण किए जा चुके हैं, 3,049 भूमि पूजन किए जा चुके हैं। यात्रा में हम हितग्राहियों को लाभ तो दे ही रहे हैं, अलग अलग योजनाओं के पात्र हितग्राही जो सीएम जनसेवा योजना में, जनसेवा अभियान में पात्र पाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोशिश है कि अगर कोई वंचित रह गया हो तो कोई ना छूटे। और इसलिए अगर कोई पात्र व्यक्ति मिलता है या मानवीय दृष्टिकोण से कहीं दिव्यांग मिल जाए, कोई अनाथ बच्चा मिल जाए, तो विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए अब तत्काल स्वीकृति देने का काम करते हैं। झूठ बोलना और जनता को भ्रमित करना ये कांग्रेस का काम रहा है, कमलनाथ जी का काम रहा है। सर, अरुण यादव कमलनाथ के बीच तकरार लगातार बढ़ रही है। इंदौर के बाद खंडवा के जो जिलाध्यक्ष है, ग्रामीण अध्यक्ष को भी होल्ड कर दिया गया। श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पर रखी हुई है। इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं, और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर ही रखने वाली है। आरोप जो है संसद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं, कई बातें उन्होंने कल कही संसद में। भारत जोड़ो यात्रा में भी गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उनको पूरे देश में कहीं विकास समृद्धि समरसता दिखाई नहीं दी। मैं तो राहुल जी से स्वयं सवाल पूछना चाहता हूं, भारत जोड़ो यात्रा में भारत तोड़ो का काम करने वाले ही आपके इर्द गिर्द क्यों थे? देश के खिलाफ बात करने वाले लोग क्यों आपके दाएं और बाएं चल रहे थे? और फिर यात्रा ने दिया क्या, ये तो बता दो देश को। राहुल जी की मानसिक आयु पे मुझे सदैव संदेह होता है।